बड़ी खबर गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी है, जहां सीएम भूपेंद्र पटेल 80,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि 80,000 वोटों से सीएम भूपेंद्र पटेल आगे चल रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बता रहे हैं। तो गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी की एक तरफा लहर जो है वो नजर आ रही है। सीएम भूपेंद्र पटेल 80,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको गुजरात से बता रहे हैं, जहां सीएम भूपेंद्र पटेल 80,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। जिस तरह से गुजरात में बीजेपी ने बढ़त बनाए रखी है, वो बढ़त बीजेपी की कंटिन्यू जारी है, और जिस तरह से नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी की सरकार एक बार फिर से बनती हुई नजर आ रही है। तो 27 साल बाद एक बार फिर से गुजरात में बीजेपी रिटर्न हो रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस समय की, जब बीजेपी की जीत के बाद जो कार्यकर्ता है उनमें भारी उत्साह नजर आ रहा है, और आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ता एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, जीत की शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो सीएम भूपेंद्र पटेल 80,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि बिरम गांव में हार्दिक पटेल जीते हैं, साथ ही अरावली से बीजेपी उम्मीदवार जीते हैं। तो एक के बाद एक कई बीजेपी उम्मीदवार जीते हैं, और गुजरात में बीजेपी की बढ़त जो है वो लगातार जारी है। तो बड़ी खबर आपको गुजरात से बता रहे हैं, जहां सीएम भूपेंद्र पटेल 80,000 वोटों से आगे हैं। तो नितिन गडकरी ने भी कहा है कि गुजरात में बीजेपी और मोदी के प्रति जनता के अटूट विश्वास की जीत हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम भूपेंद्र पटेल 80,000 वोटों से आगे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां बीजेपी की जीत के बाद कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह नजर आ रहा है। कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं, इसके अलावा एक दूसरे को बधाइयों का अब तांता लगना भी शुरू हो गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गुजरात चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनी है।